अभी तक हमने रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर क्या पढ़ा है कि जितनी भी रिएक्शंस होती है, जैसे आपकी इलिमिनेशन हुई, विलोपन अभिक्रिया हुई, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुई और योगात्मक अभिक्रिया हुई, ठीक है, ये तीन हमने कर ली है। लेकिन एक विलोपन और प्रतिस्थापन, ये दोनों अभिक्रियाएं ऐसी है जो कि क्या हो सकती है, एक जैसी हो सकती है। आपके यहाँ पे जो रिएजेंट काम में आते हैं इन रिएक्शन के अंदर, वो क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, ठीक है। दोनों ही रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जैसे हम एसएन रिएक्शन में नाभिक्स में ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, दूसरी होती है इलिमिनेशन या विलोपन अभिक्रिया। इन दोनों में होता क्या है कि प्रतिस्थापन जब भी होता है तो हम क्या करते हैं कि जो आपका मेन ग्रुप है, जैसे आपने कोई भी एल्किल हैलाइड लिया, ठीक है, प्रतिस्थापन में क्या होता है, बाहर से एक न्यूक्लियोफाइल लाते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हैं इसके ऊपर और ये आपका बाहर निकाल देते हैं एक लिविंग ग्रुप। अगर ये नेगेटिव चार्ज के साथ लेके आते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज के साथ निकल जाता है। यानी हमने क्या किया, डायरेक्टली उस कार्बन पर अटैक करवाया जिस कार्बन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज कैसे है, क्योंकि ये जो जुड़ा हुआ मॉलिक्यूल है इसका ईएन, यानी हेलोजन है ये, ईएन ज्यादा है इसका, तो इसके ऊपर क्या होता है, स्लाइट नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी जो कार्बन जिसके ऊपर खुद के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, हमने डायरेक्टली बाहर से जब भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया उसी कार्बन के ऊपर करवा दिया, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, एक तरह से प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। लेकिन इलिमिनेशन में क्या होता है, इलिमिनेशन में हमेशा क्या होता है, इसके पास वाला एक कार्बन, ठीक है, ये कार्बन की पूरी सीरीज है आर, ठीक है, हमने क्या किया, दो कार्बन को रख लिया एक तरफ, हमने क्या किया, ये इस तरह से है, यदि इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना, कार्बन के साथ जो जुड़ा हुआ ग्रुप है अगर वो ज्यादा ईएन का है, ज्यादा विद्युत ऋणी है, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पे क्या होगा, स्लाइट नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे क्या होगा, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इलिमिनेशन या विलोपन या अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, एक तो आपका ग्रुप जाता है कौन सा, जो कि हाई ईएन वाला है, यानी एक्स माइनस बाहर निकलेगा, एक क्या निकलेगा, इस मेन कार्बन जिसके ऊपर ये ज्यादा ईएन वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, या इसको अल्फा मान लेते हैं, तो बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलता है। जब भी हम इलिमिनेशन करते हैं एल्किल हैलाइड्स का, तो हम क्या करते हैं, इसको अल्फा अगर मान रहे हो तो इसमें तो क्या किया, अल्फा कार्बन पर ही अटैक करवाया किसका, न्यूक्लियोफाइल का, और अल्फा कार्बन से ही एक लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया, हम बीटा कार्बन पे आए ही नहीं, ठीक है। इलिमिनेशन में क्या होता है, हम जो बाहर निकालते हैं ग्रुप वो कहाँ से निकलेगा, ये तो आपका लिविंग ग्रुप है, ये तो निकलेगा, लेकिन इस बीटा कार्बन से हम दूसरे वाला ग्रुप बाहर निकालते हैं। यानी हमने क्या किया, रिएक्शन करवाई है कहाँ पे, बीटा कार्बन के ऊपर। अब क्या होता है कि जैसे हमने बाहर से न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाया, तो न्यूक्लियोफाइल अगर अल्फा कार्बन पे अटैक करता है और बीटा कार्बन पे अटैक करता है, तो वहां पे क्या होता है, एनर्जी का डिफरेंस होता है। किस तरह से होता है कि ये जो अल्फा कार्बन है, इस पे जब भी हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये कहाँ पे जाएगा, सिग्मा स्टार ऑर्बिटल्स के अंदर जाता है, या इसे हम बोलते हैं कि कार्बन का, ठीक है, यानी कार्बन जो है, कार्बन में हमने क्या किया कि एक तो आपका ये ऑर्बिटल है जो कि क्या कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, एक्स के साथ, ठीक है, ये बाकी के दोनों हाइड्रोजन जो है ये भी किससे बंधे हुए हैं, सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो सिग्मा स्टार है, सिग्मा स्टार के अंदर इलेक्ट्रॉन देगा कौन, ये न्यूक्लियोफाइल। सिग्मा स्टार ही क्यों, क्योंकि हमारे पास अगर हम बात करते हैं पी ऑर्बिटल का, ठीक है, तो पी ऑर्बिटल के अंदर दो लोग होते, एक इधर एक इधर, ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर ये हम सिग्मा मानते हैं तो इसके पीछे वाला हम सिग्मा स्टार मानते हैं। यानी अगर हम एमओटी की बात करें तो ये अगर बॉन्डिंग है तो इसके पीछे वाला एंटी बॉन्डिंग होगा, ठीक है। यानी हम इसको इस तरह से लिखते हैं ना, लोब्स को, एक को प्लस से एक को माइनस से लिखते हैं। जब भी हम पी ऑर्बिटल बनाते हैं हम दो लोब बनाते हैं, ठीक है, एक ऊपर की तरफ बनता है, एक नीचे की तरफ बनता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। इसका मतलब ही क्या है कि एक सिग्मा बना रहा है तो एक सिग्मा स्टार बना रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कहाँ पे, इस सिग्मा स्टार ऑर्बिटल, ठीक है। लेकिन अगर हम इलिमिनेशन करते हैं, ठीक है, तो इलिमिनेशन में क्या होता है
कि ये आपका बीटा हाइड्रोजन बाहर निकलता है, यानी बीटा कार्बन से हम एक सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम अल्फा कार्बन के एंटी ऑर्बिटल का, और यहाँ पे बात कर रहे हैं हम बीटा कार्बन, ठीक है। तो इसका जब भी हम एनर्जी प्रोफाइल देखते हैं तो वो इस तरह से होता है कि अगर हमारे पास ये हमारा कोई भी क्रियाकारक है सी एक्स का, ठीक है, इस तरह से दोनों के अंदर हम दो दो कार्बन ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक तो क्या होगा, एक के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन देने होंगे कहां तक, सिग्मा स्टार तक, ठीक है। यानी ऐसा कार्बन जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी उसी के ही एंटी ऑर्बिटल को हमें इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाने हैं, जो कौन करवाता है, न्यूक्लियोफाइल करवाता है। लेकिन इलिमिनेशन या विलोपन जो अभिक्रिया होती है उसमें हमें क्या करना होता है कि एक ऐसा कार्बन जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी नहीं है उसके सिग्मा ऑर्बिटल के अंदर या सिग्मा स्टार के अंदर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाना है। तो ये एच जो है वो इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलता है। इसमें भी एक तरह से हम क्या करते हैं, बाहर से कोई एजेंट लेते हैं, ठीक है। ये एजेंट क्या करता है, ये इस हाइड्रोजन को लेके बाहर निकलता है, ठीक है। यानी ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाता है हाइड्रोजन को, ठीक है। हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है कहाँ पे, इन दोनों कार्बन के बीच। तब हम क्या कहते हैं, इल्यूमिनेशन रिएक्शन जब भी होती है, विलोपन अभिक्रिया, दो सिग्मा बंध टूटते हैं एक पाई बंध बनता है। यहाँ पे यही होता है कि बाहर से हम एक एजेंट लेते हैं जो एक हाइड्रोजन को लेके निकलेगा एच प्लस को, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पे आ जाएंगे, इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन हमें देने होते हैं वो कहाँ पे देने होते हैं, बीटा कार्बन के पास। तो एनर्जी लेवल अपने अगर देखें तो जो कार्बोकैटायन है उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होती है, और जो बीटा कार्बन है उसकी एनर्जी हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। यानी ये लेवल जो है ये एनर्जी का ज्यादा होता है किसके लिए, बीटा हाइड्रोजन को अगर हमें बाहर निकालना है उसके लिए। समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऐसा हुआ कि एनर्जी डिफरेंस इसके लिए ज्यादा है, तो एनर्जी डिफरेंस ज्यादा जहां पे होगा वहां पर हम अगर ऐसे एजेंट काम में लेते हैं या फिर न्यूक्लियोफाइल काम में लेते हैं जो कि क्या हो, नेकेड हो। नेकेड हो मतलब वो चार्ज हो या बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो, तो हम क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं बीटा हाइड्रोजन से। और अगर बीटा हाइड्रोजन पे रिएक्शन हुआ तो मतलब वहां पे क्या होगा, इलिमिनेशन होगा, नहीं तो वहां पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। तीन कंडीशन होती है कि इलिमिनेशन रिएक्शन कहाँ पे होगा, ठीक है। क्या होती है, एक कि ये बाहर से जो हम न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं, ठीक है, या फिर ये जो एजेंट ले रहे हैं, ये क्या होना चाहिए, उनके पास 2p ऑर्बिटल्स होने चाहिए, ठीक है। 2p ऑर्बिटल, जैसे हम बात करें अगर NaOH की, KOH की, इनके पास क्या होते हैं, 2p ऑर्बिटल्स होते हैं। ये एक मेटल है, ठीक है, इन मेटल्स के पास में क्या है, 2p है, 3p 4p 5p तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि s के अंदर है इसमें इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो पी वाला भी उसके साथ भी खाली होगा, डी यहाँ पे नहीं होता है। तो यहाँ पर इनके पास क्या है, 2p ऑर्बिटल्स है। अगर हम बात करें आई माइनस की, आयोडीन, आयोडीन के पास क्या होता है, 5p के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। आयोडीन जो होता है उसमें क्या होता है, 5p में इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर हम 2p के बाद वाले कोई भी एजेंट काम में लेते हैं या कोई भी न्यूक्लियोफाइल काम में लेते हैं तो वहां पे क्या होता है, ये एनर्जी डिफरेंस की रिक्वायरमेंट क्या होती है, कम होती है। तो हम वहां पे क्या करते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ 2p वाला है, अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल या एजेंट जो है हम बाहर से ले रहे हैं ये क्या है, 2p वाला है, तो वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, प्लस उसके साथ कुछ कंडीशंस होती है, तीन कंडीशंस होनी चाहिए। ये आपके वैसे सिलेबस में नहीं है, जनरल इंट्रोडक्शन के लिए मैं बता रही हूँ कि एक तो आपके पास ऐसा कोई न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए या बाहर से हम ऐसा एजेंट लेते हैं जो कि क्या होना चाहिए, जिसके पास 2p कक्षक के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। तो वहां पे क्या होती है, इलिमिनेशन रिएक्शन होती है। प्लस इसके साथ तीन कंडीशन क्या क्या है कि एक आपके पास अगर उस रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर दिया हुआ है, यानी उस रिएक्शन के मोलिक्यूल्स को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम वहां पे क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो तीन में से कोई भी एक फैक्टर हो तो भी आपका क्या होगा, इलिमिनेशन होगा, ठीक है। 2p होना रिक्वायर्ड है कि अगर हमारे पास रिएजेंट या फिर बाहर से कोई भी मॉलिक्यूल लेते हैं
तो वो 2p वाला ही होना चाहिए, प्लस या तो उसमें उस रिएक्शन के अंदर हीट होनी चाहिए, ठीक है, यानी हम उसको गर्म करें किसी भी टेम्परेचर तक, या फिर क्या हो वहां पे बल्कियर न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। बल्कियर न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है कि ये जो आप 2p वाला एजेंट ले रहे हो, यानी आप NaOH या KOH ले रहे हो, तो ये बहुत ज्यादा बल्कियर होना चाहिए। बल्कियर का मतलब क्या है कि इनके साथ जुड़े हुए जो मॉलिक्यूल है वो बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस वाले होने चाहिए, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं, ठीक है। ये दो कंडीशन हुई, इसके साथ एक और कंडीशन होती है कि अगर हम जो पोलैरिटी होती है किसी भी मॉलिक्यूल की, पोलैरिटी क्या होती है, अगर चार्ज का सेपरेशन जो जिसमें इजीली होता है, यानी अगर हम सॉल्वेंट जो ले रहे हैं इन रिएक्शंस के अंदर वो अगर पोलर सॉल्वेंट है तो वहां पे क्या होती है आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन अगर नॉन पोलर या लेस पोलर अगर सॉल्वेंट लेते हैं तो वहां पे क्या होती है आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, ठीक है। शॉर्ट में एक बार और बता देती हूँ मैं कि जब भी हमें सब्स्टिट्यूशन करवाना होता है तो हम डायरेक्टली उस कार्बन पर अटैक करते हैं जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है। अगर हमें एलिमिनेशन करवाना है तो हमें हम हाइड्रोजन या फिर दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो कहाँ से निकालते हैं, बीटा कार्बन से निकालते हैं। उसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बाहर से जो भी हम न्यूक्लियोफाइल लेते हैं वो 2p का होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास 2p का ऑर्बिटल है और इन तीनों में से कोई एक फैक्टर है तो वहां पे उस रिएक्शन के अंदर हम क्या करवाएंगे, इलिमिनेशन करवाएंगे, प्रतिस्थापन नहीं करवाएंगे, ठीक है। तीन फैक्टर में से क्या क्या होना चाहिए कि या तो उसको हीट करे रिएक्शन को, या फिर बल्कियर कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा हो, या फिर कोई नॉन पोलर सोलवेंट हम काम में ले रहे हो, तो वहां पर हम इलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे, ठीक है। जैसे एल्कोहल का कोई एग्जाम्पल है, हमने लिया ये एल्कोहल, ठीक है। अब इस एल्कोहल में प्रतिस्थापन भी हो सकता है, इस एल्कोहल में इलिमिनेशन भी हो सकता है। अगर प्रतिस्थापन हम करवाते हैं, ठीक है, तो प्रतिस्थापन चलो इसे नहीं हम लेते हैं, एल्किल हैलाइड ही हमारा, ठीक है, सेम रखते हैं, एल्किल हैलाइड ही लिया। तो अगर यहाँ पे क्या होता है, SN रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी नाभिक से ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो उसमें क्या है कि अगर हमने लिया कोई भी जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ठीक है, तो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, नाभिक से ही है, लेकिन है ये 2p का, लेकिन हमने इसके साथ कोई भी कंडीशन नहीं ली। अगर कोई कंडीशन नहीं ली तो ये क्या करेगा, ये सब्स्टिट्यूशन का काम करेगा, यानी इससे क्या बनेगा हमारे पास, एल्कोहल, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या करें, इसी रिएक्शन में हम क्या करें, अगर KOH ही लें और इसके साथ हम क्या कर दें, इसको हीट कर दें, ठीक है, या लेस पोलर सॉल्वेंट ले लें या फिर बल्कि न्यूक्लियोफाइल ले लें, तो क्या होगा, यहाँ पे इलिमिनेशन रिएक्शन होगी, विलोपन अभिक्रिया होगी, और जब इसमें इलिमिनेशन होगा तो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा, ठीक है। यानी अगर 2p का कोई भी एजेंट हमारे पास है प्लस हमारे पास कोई ना कोई एक फैक्टर है उन तीनों में से, तो हमारे पास क्या होती है, इलिमिनेशन रिएक्शन होती है, हम विलोपन अभिक्रिया वहां पे करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास 2p या 2p के अलावा 5p तक कोई भी न्यूक्लियोफाइल हम लेते हैं, कोई फैक्टर नहीं है, तो वहां पे हम कौन सी रिएक्शन करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया, यानी नाभिक में ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करेंगे, ठीक है। ये डिफरेंस होता है, आपके सिलेबस में नहीं है, अगर आपको समझ में आता है तो उसको लिखो, नहीं तो जाने, ठीक है। अब इसके बाद में हमें क्या पढ़ना है, एक तो एनर्जी प्रोफाइल पढ़नी है, ऊर्जा आरेख, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो क्या है, एनर्जी प्रोफाइल, सॉरी एक हाँ रीअरेंजमेंट रिएक्शन रहेगी आपकी, ठीक है। फोर्थ टाइप की रिएक्शन है कौन सी, रीअरेंजमेंट या पुनर्विन्यास अभिक्रिया।
ठीक है, पुनर्विन्यास अभिक्रिया। इसके अंदर क्या होता है, सिंपल हमें रीअरेंजमेंट करना है एक ही मोलिक्यूल के अंदर। जैसे हमने ले लिया कोई हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है, ये क्या है, जहां पे नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, एमीन के साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में क्या है, एमीन है, एमीन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। आपको क्या करना है, सिंपल रीअरेंजमेंट है। रीअरेंजमेंट कैसे करेंगे कि ये जो बेंजीन रिंग है इसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, जो कि ऑल्टरनेट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस किस तरह से, कि ये हम डबल बॉन्ड इधर लेके जाएंगे, ठीक है, जब डबल बॉन्ड यहाँ लेके जाएंगे तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, तीन बनाता है नाइट्रोजन, एक टाइम में तीन बॉन्ड बनाता है, तो इसने यहाँ पे अभी तीन बना रखे हैं ऑलरेडी। हम क्या करते हैं, ये डबल बॉन्ड को यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड को जब यहाँ रिप्लेस करेंगे तो इसके ऊपर बॉन्ड कितने बन जाएंगे, चार नाइट्रोजन पे। हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोक्सी को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, बॉन्ड तीन के तीन रह गए, हमने हाइड्रोक्सी को रिप्लेस कर दिया, क्या बना ये OH आ गया यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड आया यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। लेकिन अगर हमने ऐसा किया, मतलब हमने एरोमेटिसिटी को डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर एरोमेटिक हमें दोबारा बनाना है इस बेंजीन को, तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को निकालते हैं, है ना, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है ऑलरेडी, तो हम क्या करेंगे, इसमें हाइड्रोजन को निकालेंगे, यानी H प्लस निकालेंगे। एच प्लस जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ पे देखे जाएगा, इन दोनों कार्बन के बीच में, यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, ये एरोमेटिक नेचर दोबारा आ जाएगा इसका। हम फिर क्या करेंगे, ये डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, इसके ऊपर नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये जो एच प्लस निकाला है इसको कहाँ पे जोड़ देंगे, नाइट्रोजन पे, ठीक है, और ये हमारी क्या हो जाएगी, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये हाइड्रोक्सी जो है वो आपके कहाँ आ गया, एमीन के ऑर्थो पोजीशन पे आ गया, ठीक है। ये सिंपल रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। रीअरेंजमेंट या पुनर्विन्यास के अंदर ना कोई बॉन्ड टूटता है ना कोई बनता है, यानी कोई चीज बाहर नहीं निकलेगी, सिर्फ क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है बॉन्ड्स का और मोलिक्यूल्स का, ठीक है, ये हमारी क्या है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसी तरह एक होती है फ्रिज रीअरेंजमेंट रिएक्शन, पढ़िए आपने, फ्रिज रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है, ये क्या है, जब भी हम फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं, फिनोल की फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, फिनोल की फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया दो टाइप की होती है, एक होती है एल्गाइलेशन और एक होती है एसाइलेशन। उसमें सबसे पहले अब इसके बाद में क्या होती है, इसका ही एक और एग्जांपल है कि हम जब भी फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन करवाते हैं तो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन या एल्काइलेशन, ये क्या है, एसाइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया है। उसमें क्या होता है, फिनोल की अभिक्रिया दोनों की होती है, एल्कोहल की भी होती है फिनोल की भी होती है, लेकिन यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये क्या है, फिनोल की रिएक्शन हम करवाते हैं किससे, एसिटिल क्लोराइड से, ठीक है, या एल्किल क्लोराइड से, ठीक है। तो ये क्या करता है, RCOCl से रिएक्शन करवाई है हमने, ये फिनोल था, फिनोल की हमने रिएक्शन करवाई RCOCl, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक HCl का मॉलिक्यूल बाहर निकालते हैं और ये जो COR है ये किसके साथ जुड़ जाता है, इस फिनोल के, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। अब यहाँ से लेके आपका जो प्रोडक्ट बनता है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन के अंदर, वो क्या बनता है कि इस फिनोल के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर ये एसिटिल ग्रुप जुड़ता है या एल्किल ग्रुप जुड़ता है, ठीक है, रिएक्शन ये होती है, मेन प्रोडक्ट ये बनता है, या तो यहाँ या यहाँ, दोनों नहीं, ठीक है, या तो यहाँ जुड़ेगा या यहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो या पैरा पर, ठीक है, मेन जो बनता है वो ऑर्थो का बनता है, ठीक है। लेकिन ये बनेगा कैसे, जब हमने सबसे पहले रिएक्शन करवा दी ऑक्सीजन से, तो ये जो आगे की प्रोसेस होती है इससे ये बनने की, वो क्या होती है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है, और वो जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन है इसे हम बोलते हैं क्या,
फ्री जरिए रेडिएट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फ्रिज पुनर्विन्यास अभिक्रिया बोलते हैं। तो इसमें होगा क्या, सिंपल वही तरीका जैसे आपने इसमें किया वैसे ही हम क्या करेंगे, ये जो बेंजीन रिंग है इसका एक डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, ठीक है, इसको पूरे ग्रुप को हम लेके आएंगे किधर, इधर, ठीक है, ये आपका डबल बॉन्ड फिनिश हो जाएगा। फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, ठीक है, और हाइड्रोजन को कहाँ पे लेके जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर, इस पे क्या आ जाएगा, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाएगा और ये सी ओ आर जो है इसकी ऑर्थो पोजिशन आ जाएगा। सिंपल वही रिएक्शन है जैसे इसके अंदर हमने की थी, लेकिन रीअरेंजमेंट है इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमने बाहर से कोई भी मॉलिक्यूल नहीं लिया और इससे भी कोई मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकाला, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, रीअरेंजमेंट, ये यहाँ से रीअरेंजमेंट नहीं है, रीअरेंजमेंट यहाँ से होता है, ठीक है। और ये जो बीच वाला पोर्शन होता है फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया का ही, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रिज रीअरेंजमेंट रिएक्शन या फ्रिज पुनर्विन्यास अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। और इसी के साथ आपकी ये रिएक्शन सारी कंप्लीट हो गई, ठीक है, चार कौन कौन सी थी, एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और रीअरेंजमेंट, ठीक है। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, इसमें कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है एनर्जी प्रोफाइल या ऊर्जा आरेख। इसको आपको नोट करनी है ना साथ साथ में, लिखना कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ रिएक्शन लिखनी थी, लिखे ना, हाँ। तो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट है एनर्जी प्रोफाइल या ऊर्जा आरेख। अब एनर्जी प्रोफाइल मैंने आपको एक बार तो बताई है, लेकिन फिर दोबारा बता देती हूँ कि एनर्जी प्रोफाइल हमारी दो तरह की होती है, एक तो ये और एक, ठीक है। इसमें जो एक्स एक्सिस होता है उसमें क्या लिखा जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की दर, ठीक है, और वाई एक्सिस पे क्या लिखा जाता है, एनर्जी या ऊर्जा, ठीक है। ये आर जो हमने लिखा है इसका मतलब है ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, क्रियाकारक के अणु है, पी का मतलब है यहाँ पे है प्रोडक्ट है या उत्पाद है, ठीक है। तो जब भी हमें रिएक्शन की ऊर्जा के बारे में देखना होता है तो हम एक फॉर्मूला लगाते हैं एंथैल्पी का, कि इस रिएक्शन के अंदर एंथैल्पी कितनी चेंज हुई, उसको लिखा जाता है डेल्टा एच, ठीक है। और ये क्या होता है, एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेड, यानी उत्पाद की एंथैल्पी कितनी है माइनस क्रियाकारक अणुओं की एंथैल्पी कितनी है, इस पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन है आपकी जिसके अंदर क्या है, ये एनर्जी वाई एक्सिस पे देख रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो क्या है, रिएक्टेड से कम है, ठीक है। तो अगर हम एच पी माइनस एच आर करेंगे, एच आर ज्यादा है इस वाली रिएक्शन के लिए, क्या है एच आर ज्यादा है एच पी कम है, ठीक है। ये वैल्यू अगर ज्यादा है तो हमारी डेल्टा एच की वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी, है ना। एच आर ज्यादा है, ठीक है, तो ये वाली अमाउंट हमारी ज्यादा है तो ये क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। तो ये डेल्टा एच नेगेटिव आती है इन रिएक्शन के लिए, जहां पे क्या होता है आपका हीट रिलीज होता है, ठीक है। हीट रिलीज होने का मतलब क्या है कि क्रियाकारक अणुओं के पास एनर्जी ज्यादा थी, हमने से उसमें से एनर्जी बाहर निकाल दी, बाहर निकालने के बाद में जितनी एनर्जी कम हुई उस पे हमारा क्या बना, उत्पाद बना, यानी हमने यहाँ पे हीट को, एनर्जी को, ऊर्जा को बाहर निकाला। तो इसलिए ये डेल्टा एच जो है वो किसके फॉर्म में आता है, नेगेटिव के फॉर्म में आता है, ऋणात्मक मान आता है इसका। तो ये जो रिएक्शन होती है जहां पे ऊर्जा बाहर निकलती है उसे क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन या उष्मा शेप्पी अभिक्रिया, ठीक है। ये क्या होती है, उष्मा शेप्पी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, जिसके अंदर रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, यानी ये ज्यादा है ये कम है, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे पॉजिटिव में आती है। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ने प्रोडक्ट बनाने के लिए बाहर से एनर्जी को गेन किया है, ग्रहण किया है,
तो यहाँ पे क्या होता है, अगर ये पॉजिटिव है तो इसे क्या बोलते हैं हम, ये है उष्माशोषी या एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, कि अगर कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो उसका एनर्जी प्रोफाइल इस तरह से बनेगा, अगर एक्सोथर्मिक है तो उसका प्रोफाइल इस तरह से बनेगा। ठीक है, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आएगी एक्सोथर्मिक के लिए, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आएगी एंडोथर्मिक के लिए। ठीक है, अब एक आपकी रिएक्शन होती है एक अणुक और द्विअणुक, यानी यूनिमोलिक्यूलर और बाइमोलिक्यूलर, उसके लिए हम एनर्जी प्रोफाइल किस तरह से बनाते हैं। उसमें हम कैसे बनाते हैं कि अगर कोई यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन है तो वो इसी तरह से बनती है, जैसे ये बनी है ना। यूनिमोलिक्यूलर में क्या होता है, एक इंटरमीडिएट बनता है, बाइमोलिक्यूलर में सॉरी, ठीक है, बाइमोलिक्यूलर जो भी रिएक्शन होगी, द्विक अणुक जो अभिक्रिया होती है वो सिंगल स्टेप में होती है, उसमें क्या होता है एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, उसमें कोई भी मध्यवर्ती नहीं बनता है। ठीक है, तो ये जो दोनों रिएक्शन है ये शो कर रहे हैं, ये हमारी क्या है, बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन होगी। ठीक है, ये क्या होगी, द्विक अणुक या बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन के लिए ये एनर्जी प्रोफाइल होगी। लेकिन अगर यूनिमोलिक्यूलर है तो वो क्या होती है, दो स्टेप में होती है। अगर कोई रिएक्शन दो स्टेप में होती है मतलब उसमें दो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, एक इंटरमीडिएट बनेगा, तो वो रिएक्शन किस तरह से होगी, इस तरह से। ठीक है, ये चीज आप कि प्रोडक्ट की एनर्जी कम रखनी है रिएक्टेंट की एनर्जी कम रखनी है वो डिपेंड करेगा रिएक्शन के ऊपर। ठीक है, आप किसी को भी रिएक्शन के अकॉर्डिंग इसको कम रख सकते हो, इसको ज्यादा रख सकते हो, या इसको कम इसको ज्यादा रख सकते हो। ठीक है, वो रिएक्शन के अकॉर्डिंग होता है। बस इसमें ये दिखाना है जनरल फॉर्म के अंदर कि इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट ये बनती है, एक ट्रांजिशन स्टेट एक ये बनती है, और एक बीच में इंटरमीडिएट या फिर मध्यवर्ती बनता है। ये होती है एक अणुक या यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन के। यूनिमोलिक्यूलर जो किसमें होती है, SN1 होती है और E1 होती है, ठीक है, या SE1 होती है, उनके अंदर इस तरह का एनर्जी प्रोफाइल हमारा बनेगा। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही ट्रांजिशन स्टेट बनती है और कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है बाई मोलिकुलर रिएक्शन के अंदर। ठीक है, ये हमारे एनर्जी प्रोफाइल्स हैं।